आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके P3 या P4 बग हम ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले इजी वाले से शुरू करते हैं, CMS। इसका मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई वेबसाइट ड्रूपल पे है, वर्डप्रेस पे है, या जूमला या फिर किसी पे भी है, तो आप क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं उसे स्कैन करके और वल्नरेबिलिटी मतलब ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो ये एक टूल है, सभी टूल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका नाम है WPS स्कैन। अगर आप देखें तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर लेना। अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको अपनी API की मिल जाएगी, और ये टूल है WPS स्कैन GitHub, ये यहाँ पे, लेकिन मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सिंपल सी कमांड है कि URL पास करना है। स्टील दी हमने इसलिए लिखा है ताकि ज़्यादा एग्रेसिव स्कैन ना करे, वरना हो सकता है वेबसाइट हमें ब्लॉक कर दे। API टोकन अगर आप नहीं देंगे तो आपको वल्नरेबिलिटीज नहीं पता लगेंगी, बकायदा आपको CVE नंबर सब कुछ दिख जाएगा सामने ही अगर आप API टोकन देते हैं अपने अकाउंट का, और अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हमने --force इसलिए लिखा है क्योंकि हम जैसे जिस वेबसाइट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें पता होगा कि वो वर्डप्रेस पे वेपलाइजर वगैरह से आपको पता लग जाएगा, तो हम फोर्स कर रहे हैं कि हाँ ये वर्डप्रेस पे ही है, अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करो। अब ऐसे ही स्कैनिंग में दूसरी चीज आ जाती है डर सर्च। इसमें आपको सेंसिटिव डायरेक्टरी या फिर फाइल एक्सपोजर अगर फाइंड करना हो तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। डर सर्च टूल भी सिंपल है रन करने के लिए, डर सर्च -u फॉर URL, वेबसाइट का URL दे देना बस, इससे नीड लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा अपने टूल्स पे जिन पे हमें मतलब थोड़ा काम करना पड़े। ये तीन टूल्स को मिला के वेबैक URLs, GF और QS रिप्लेस, इनसे हम ओपन रिडायरेक्ट या फिर एक्सेस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पे एक टारगेट है, उसकी डायरेक्टरी मैंने बना रखी है वलन वेब। ls करके दिखाता हूँ, यहाँ पे उसके सब डोमेन्स हैं और वेबैक URLs मतलब खूब सारे URLs मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। अगर इन टूल के बारे में नहीं पता तो पहले आपको वो पता करना पड़ेगा। ये क्या करता है कि सारे इस वेबसाइट से रिलेटेड, मान लीजिए एक वेबसाइट है valenweb.com, तो उससे रिलेटेड जितने भी URLs इंटरनेट पे होंगे पब्लिकली एक्सपोज, वो सब ला के दे देगा। एक बार इसे देख लेते हैं, ये देखिए ये हमारे पास URLs हैं इतने सारे। अब बात हो रही है यहाँ पे वेबैक URLs और प्लस पहले GF को देखते हैं। GF टूल क्या है? GF टूल पैटर्न्स निकालता है। मान लीजिए लिस्ट करूं तो यहाँ पे देखिए, जैसे रीडायरेक्ट, ओपन रीडायरेक्ट से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स को फिल्टर करने का काम करता है। इसका मतलब GF का काम है कि फिल्टरिंग का काम करेगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये किस तरीके से काम करेगा देख लेते हैं। कैट वेबैक URLs, मैंने लिखा GF रीडायरेक्ट, इसका मतलब है जितने भी URLs हैं उसमें से सिर्फ वही URL हमें दो जो कि वल्नरेबल हो सकते हैं ओपन रीडायरेक्ट से। इसका मतलब है जिन पर ओपन रीडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट हो सकती है। एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो URLs आ गए। तो यहाँ पे हो सकता है आप URL इसको चेंज करें, तो या तो रीडायरेक्ट कर दें, लेकिन यहाँ पे शो इमेज है तो मेरे ख्याल से ये रिमोट फाइल इंक्लूजन के लिए वल्नरेबल हो सकता है। टेस्ट आपको खुद ही करना है मैनुअल। अब एक और देख लेते हैं कि एक्सेस से रिलेटेड पैरामीटर्स, तो यहाँ पे हमारे पास दो आ गए, ये और इन दोनों पे आपको चेक करना पड़ेगा। एक तो ये पी और एक PP। अब एक तो तरीका ये है कि जो आपको ये URLs मिले हैं इसको आप मैन्युअली चेक करें और यहाँ पे अपनी पेलोड एंटर करें, लेकिन हम इसको भी ऑटोमेट करेंगे। वो कैसे? जैसे ये रीडायरेक्ट है। अब एक और टूल है यहाँ पे देख सकते हैं आप, QS रिप्लेस, इसका मतलब है
पैरामीटर्स की जो भी वैल्यू है उसको उस वैल्यू से रिप्लेस कर दो जो हम दें। इसका मतलब क्यू एस रिप्लेस https evil.com। अब देखिए यहाँ पे जितने भी वल्नरेबल पैरामीटर्स हैं, मतलब जो वल्नरेबल हो सकते हैं, उनकी वैल्यू हमारे दिए हुए URL से या फिर स्ट्रिंग से रिप्लेस होगी। देख सकते हैं evil.com। और वरना अगर हम नॉर्मल इसे रन करें तो सिर्फ हमें वो पैरामीटर्स ही मिलेंगे। इसी तरीके से एक बार XSS के लिए देख लेते हैं, XSS QS replace और simple payload। इस तरीके से एंटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं URL एनकोड होके हमारे URL के संग आ चुकी है। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये वल्नरेबल है ही, तो तरीका ये है कि इसे आप ओपन करके देख लें, पॉपअप आ रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन एक्सरसाइज फाइंड करने का ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। ऐसे चांसेस बहुत कम हैं लेकिन मिलते हैं, क्योंकि जो सही तरीका है वो ये होता है कि जो पेज का सोर्स कोड होता है उसको हमें रिव्यू करना होता है, पेलोड डाल के देखना होता है, ब्रेक करनी होती है टैग को। लेकिन वो आउट ऑफ द टॉपिक है इस वीडियो के लिए, इसलिए इसमें तो बात नहीं करेंगे। लेकिन अब एक और तरीका है, एक टूल और है फ्रैक। ये फ्रीक्वेंसी पता करता है, मतलब अगर वल्नरेबल होगा तो वल्नरेबल दे देगा, वरना नहीं। लेकिन ये भी ज़्यादा कामगार है नहीं, एक्सेस फाउंड इसने तो कह दिया। एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे तो पता नहीं कुछ और ही आ रहा है, इसलिए ये टूल तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कामगार है नहीं। लेकिन हाँ, जो काम के हैं वो यही दोनों हैं, QS replace और GF। GF से आप पैटर्न्स को फिल्टर कर लेंगे और QS replace से स्ट्रिंग को एक्सचेंज कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारा टूल आता है वो है ब्रोकन लिंक चेकर। ये ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग में काम आता है, ये आपको तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ब्रोकन लिंक चेकर। तो ये टूल डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सारे ओपन सोर्स ऐसे ही हैं। आप किसी पे भी चले जाना, अपने टारगेट का लिंक डालना, वो पूरी वेबसाइट को स्कैन करेगा और देखेगा कौन कौन से लिंक हैं जो कि 404 स्टेटस कोड दे रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम वगैरह का होगा तो वहाँ पे जाके अकाउंट बना के आप हाईजैक कर सकते हैं। ये भी हो गया हमारा वे बैक URLs डर सर्च, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बर्फ सूट। तो बर्फ सूट में जो आपको मेन लो हैंगिंग देखने हैं वो है, एक तो ये सेशन, क्योंकि विदाउट सिक्योर फ्लैग ये मीडियम सिक्योरिटी में जाता है, और क्लियर टेक्स्ट सबमिशन ऑफ पासवर्ड, ये डिपेंड करता है कभी कभी हाई या फिर मीडियम में, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बर्फ सूट प्रोफेशनल जो है आपको क्रैक्ड वर्जन भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कुछ पॉलिसी होती है यूट्यूब की भी। लेकिन हाँ, ये दोनों जो बग हैं वो जब आप जैसे मैनुअल क्रॉल कर रहे होते हैं, प्रॉक्सी ऑन होती है, तो आपके डैशबोर्ड पे ही सामने आपको दिख जाएगा कि ये दोनों वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि न्यूक्ली तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन हम किस तरीके से अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है टेक ओवर। ये एक न्यूक्ली की टेम्पलेट है, अभी दिखाता हूँ, cd न्यूक्ली टेम्पलेट्स http के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब सारी टेम्पलेट है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है टेक ओवर्स। अगर आपको सब डोमेन टेक ओवर्स को ऑटोमेट करना है, सिर्फ यही फाइंड करना है कि वो वल्नरेबल है या नहीं, तो आपको इस टेम्पलेट का यूज़ करना है। एक बार इसके भी अंदर चले जाते हैं, तो ये किन किन टेक ओवर्स को चेक करता है, गिटहब के लिए है, ngrok के लिए है, और zendesk वगैरह के लिए, वर्सल के लिए भी। तो ये तो आप मेरे ख्याल से रन करना आता होगा न्यूक्ली, फिर भी दिखा देता हूँ एक बार।
न्यूक्ली माइनस एल, सब डोमेन्स आपके होंगे और ये, ठीक है, ये कमांड दिख रही होगी आपको, लिस्ट दे दी सब डोमेन्स की और टेम्पलेट टेक ओवर। अब इसी तरीके से एक जो सबसे ज़्यादा टेम्पलेट आपको यूज़ करनी चाहिए वो है सी वी ईज की, दूसरा है एक्सपोजर्स की और तीसरा है वल्नरेबिलिटीज की। ठीक है, ये कमांड है, ये लिख रखेंगे टेम्पलेट के नाम भी, टेक ओवर एक्सपोजर सी वीज वल्नरेबिलिटीज। तो यही कुछ टेक्निक्स हैं, यही कुछ तरीके हैं जिनसे आप P3 और P4 को फाइंड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। जब आप ये टेक ओवर वाली टेम्पलेट यूज़ करेंगे तब होगा क्या कि आपको ये तो पता लग जाएगा कि हाँ ये वल्नरेबल है या नहीं, मतलब आपको दिखा देगा कि ये वल्नरेबल हो सकता है, लेकिन और चेक करने के लिए आपको जाना है कैन आई टेक ओवर XYZ। यहाँ पे मान लेते हैं एक सब डोमेन है वल्नरेबल AWS के लिए, उसकी सर्विस है AWS, तो आपको चेक करना है कि वल्नरेबल है। जी हाँ है, तो आपको अमेजोन AWS पे जाके अकाउंट बनाना है और उसी वल्नरेबल सब डोमेन को पेस्ट कर देना, मतलब उसी नाम से एक बकेट क्रिएट कर लेनी है। तो वो इस वीडियो के लिए नहीं है फिलहाल, ये थे कुछ तरीके किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हैं P3 और P4 को। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।